झीलों की नगरी उदयपुर में करवा चौथ का पर्व सुहागिनों ने उत्साह और उमंग के साथ मनाते हुए व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा की दोनों पत्नियों ने भी करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा और सांसद महोदय की लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की दो पत्नियां हैं और दोनों ही उनके साथ ही रहती है। उनकी एक पत्नी राजकुमारी मीणा अध्यापिका है तो वही दूसरी पत्नी मीणा एक गृहिणी है। आपको बता दें कि उनकी दोनों ही पत्नियां एक ही घर में एक ही छत के नीचे एक दूसरे से बेहतर संबंध बनाकर रह रही है और दोनों ही मिलजुल कर हंसी खुशी से रहती है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि दोनों आपस में सगी बहनें भी हैं। करवा चौथ के अवसर पर दोनों ने कथा सुनी व चांद निकलने पर अपने पति सांसद मीणा को परंपरा के मुताबिक तिलक लगाने, मिठाई खिलाने और उसके बाद उनकी आरती कर दोनों ने ही एक ही छन्नी से पहले चांद की ओर फिर अपने पति मीणा के दर्शन किए। सांसद मीणा ने कहा कि हर साल उनकी दोनों पत्नियां यह व्रत करती है और यही कारण है कि वह लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। आज पूरे देश में और विशेष करके मेवाड़ उदयपुर में सभी सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ की व्रत करती है और सामूहिक रूप से मेरे अपने वीआईपी कॉलोनी में उद्यापन का कार्यक्रम रखा है। मेरी दो धर्म पत्नियाँ हैं, दोनों बहनें हैं और दोनों के हमारे तीनों के बीच में एक बेटा और बेटी है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और इनकी दुआओं की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा होकर अपना ये बात कह रहा हूँ। मैं सभी लोगों के लिए बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। किस तरह आप करवा चौथ का आज पूजन वगैरह किया गया है? देखिए, सुबह से इन्होंने पानी तक नहीं पिया है और हमारे लंबी उम्र के लिए इन्होंने आज व्रत रखा है और आज अभी 9 बजे बाद उद्यापन का कार्यक्रम होगा और सब सामूहिक रूप से कॉलोनीवासी भोजन करेंगे।